हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एम्स नर्सिंग और पारा मेडिकल 2022 का प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे सीट मैट्रिक्स दिया है, ओबीसी वैलिड डेट है कि ओबीसी आपका कितने दिन पहले का बना होना चाहिए, तो वो सब देखते हैं। और कितना सीट इंक्रीज हुआ है इस बार और कौन कौन से नए न्यू कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो सब देखते हैं इस प्रोस्पेक्टस में। अभी तो RUC कोड जनरेट करने का डेट है, उसके बाद फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही दिया है इसमें डेट, और फिर पेमेंट करेंगे। तो फिर पेमेंट कितना करना है तो देखते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल के लिए 1500 है, ओबीसी के लिए 1500 है, एससी का 1200, एसटी का भी 1200 है, ईडब्ल्यूएस का भी 1200 फ़ी है, और ट्रांजेक्शन फ़ी जो आपको लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये इस बार का एप्लीकेशन फ़ी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, पिछले बार जितना था उतना ही इस बार भी लग रहा है। अब देखते हैं डेट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट कब है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेट, ऑनलाइन मोड में होगा एग्ज़ाम, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा आपका एग्ज़ाम, 10 बजे से एग्ज़ाम होगा, नहीं तो 9:30 से आपका एग्ज़ाम होगा, 25 जून को है, सैटरडे को। रिज़ल्ट आपका 1 जुलाई तक आ जाएगा, इसमें रिज़ल्ट का भी दिया है, 1 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी ये रिज़ल्ट निकाल देता और काउंसलिंग भी तुरंत हो जाता। ये पारा मेडिकल का सीट मैट्रिक्स है कि किस कोर्स में कितना सीट है, जैसे कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में एम्स दिल्ली में UR का 10 सीट दिखा रहा है, OBC का 6, SC का 3। इस तरह से आप कौन जगह पे कौन से एम्स में किस कोर्स में कितना सीट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल एम्स पारा मेडिकल में 269 सीट है। और फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग का बात करें, BSc ऑनर्स नर्सिंग में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जाती है, और पारा मेडिकल में मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो BSc नर्सिंग में इस बार टोटल 941 सीट है, सीट इंक्रीज हुआ है। पिछले बार 12 कॉलेज में एडमिशन हुआ था, इस बार 14 कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। इस बार एक बिलासपुर ऐड हुआ है, एक मंगलगिरी ऐड हुआ है। बिलासपुर में 40 सीट प्लस मंगलगिरी में 50 सीट, इस बार 90 सीट इंक्रीज हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि सीट इंक्रीज हुआ है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए पढ़ाई करते रहें अच्छे से, क्योंकि क्या पता अगले बार नीट के थ्रू कर दे तो सोच लीजिएगा कितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और इसमें कैटेगरीज वाइज देखते हैं तो UR की 366 सीट है, उसके बाद OBC की 242 सीट है इस बार टोटल, और SC की 135, और ST की 70 सीट है, और ये PWD कैटेगरी से भी सीट है। आपका OBC 19/6/2021 से लेकर 18/6/2022 तक का बना होना चाहिए। तो आप OBC अगर आपके पास NCL बना हुआ है तो रहे, नहीं तो बनवा ले, अप्लाई कर दें, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के टाइम जाइएगा तो बस यही डेट के बीच में वो देखते हैं कि इतना डेट के अंदर में आपका OBC बना है कि नहीं। तो जिन लोगों के पास OBC नहीं है वो तुरंत अप्लाई करते, क्योंकि वो इशू डेट देखते हैं, इसी बीच में आपका इशू डेट देखेंगे, और उसके बाद का भी बना होता है तो वो लोग जनरली नहीं लेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए अभी जो उन लोगों के पास नहीं है तो वो अप्लाई करते हैं OBC के लिए, क्योंकि 10-15 दिन तो OBC NCL बनाने में लग ही जाता है। और फिर पोस्ट बेसिक और पारा मेडिकल के लिए 25 जून को एग्ज़ाम है उसका, और यहाँ पे दिया उनका उन लोगों के लिए OBC चाहिए 26/6/2021 से लेके 25/6/2022 के बीच में बनना होना चाहिए। तो आप देख ले, और जिन लोगों के पास नहीं है वो ज़रूर अप्लाई कर दें, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर OBC आपका वैलिड नहीं होगा तो वो लोग आपको UR कैटेगरी से सीट देंगे, फिर आप लोग UR कैटेगरी में कंसिडर हो जाओगे, इसलिए OBC बनवा लें अगर नहीं है जिन लोगों के पास। तो अब बात करें EWS के लिए, तो EWS का BSc नर्सिंग के लिए 1/4/2022 से लेकर 18/6/2022 तक का EWS इशू डेट होना चाहिए। इतने
डेट के बीच में आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और फिर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पारा मेडिकल का बात करें तो 1/4/2022 से लेकर 25/6/2022 के बीच में आपका EWS बना होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास भी EWS नहीं है तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो सच में ये इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग टाइम में, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो 2 दिन बाद बोलेगा OBC सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, फिर अगर आपका वैलिड नहीं होता तो URCET से आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो इसलिए ज़रूर बनवा लें। एडमिशन के लिए 12th में आपका 55% होना चाहिए, 55% जनरल OBC NCL EWS के लिए है, और SC ST के लिए 50% आपका 12th में होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज है। और BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ दे सकता है, तो अब देखिए कितना एग्ज़ाम सेंटर है, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर, त्रिवंदमपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, इतने जगह पे एग्ज़ाम सेंटर है। आप जो शहर में उस अनुसार अपना सिटी चॉइस कर सकते हैं। और ये स्कीम दिया है कि किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, तो फिजिक्स आपका 30 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 30 मार्क्स का, बायो 30 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बायो का मैंने प्रीवियस ईयर अपलोड कर दिया, GK का अपलोड होगा, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर इससे और भी कोई रिलेटेड डाउट है, अगर नहीं समझ में आते किस टाइप के क्वेश्चन आता है, सिलेबस क्या पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसमें 100 में आप अगर 50+ भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इस बार सीट भी इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करें, और मैं जितना बता रही हूँ उतना ज़रूर पढ़ाई करें आप लोग। देखिए यहाँ भी लिखा है द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल BSc कोर्सेज शैल बी 50% फॉर UREWS, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST। तो आप 100 में 50 नंबर भी लाते हैं तो UREWS में है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। OBC का 45 पे है, लेकिन OBC का पिछले बार बहुत कट ऑफ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग OBC से ही थे, तो OBC का 45, OBC का भी 50+ ही माने तो ज़्यादा सेफ रहेगा, सेफ जोन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 50+ का ही एडमिशन मिला, 45+ का भी एडमिशन मिला है, 40% फॉर SC ST का है। और बहुत लोग पूछ रहे थे निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग दिया है, एक क्वेश्चन आपका सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, और 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें, और इसलिए जो क्वेश्चन आप पूरा कॉन्फिडेंस है वही बनाएंगे, निगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा बनाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना। आपका ये OBC NCL सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया है, आप इस टाइप से बनवा सकते हैं अपना OBC NCL सर्टिफिकेट, और EWS का भी परफॉर्मा दिया है नीचे, और ये EWS सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया है, तो जिन लोगों के पास नहीं है वो बनवा सकते हैं अपना EWS सर्टिफिकेट भी और OBC सर्टिफिकेट भी, तो आप देख लें। और ये SC ST सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट का सब कुछ दिया है, और आप बनवा लें जिन लोगों के पास नहीं है, नहीं तो फिर आप UR कैटेगरी में आप कंसीडर किए जाओगे, फिर रिजर्वेशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो। आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और पढ़ाई करते रहना है और सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।